अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन मैम। ओके, फर्स्ट टेस्ट आप लोगों का कैसा रहा था? मैम अच्छा था। ओके, सबने अटेम्प्ट किया था या नहीं किया सबने? जी अहमद, आपने अटेम्प्ट किया था? यस मैम, मैंने किया था। ओके, कोई प्रॉब्लम हुई है उसमें? नहीं मैम, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, और जो नए स्टूडेंट्स हैं ये फिलजा, आपको कोई मसला हुआ हो, मुबशर आपको, क्योंकि आपने अभी क्लासेस ली थी। नो मैम। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके ठीक, और जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने कर लिए सारे कंप्लीट? यस मैम। मैम जिधर तक सर ने करवाए हैं कर ली। नहीं, उससे आगे भी करने थे ना, जो रिमेनिंग रह गए हुए थे। ओके यस मैम, मैंने कर ली है। फाइन, और बाकी सब जो रह गए हैं उन्होंने उसको आप लोगों ने ट्राई करना है, जो उसमें कोई भी मसला हो वो आप लोगों ने साथ साथ पूछते रहना है। ओके मैम। ठीक है, और कोई इशू वगैरह, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें अभी। मैं मेरा एक क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड। जी पूछे। जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर जिस तरह उनकी स्टेटमेंट्स थी कि इंक्रीज इन टू एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, मैम अगर हम अपनी स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसके अंदर दो एसेट्स इंक्रीज भी हो रहे हैं और एक लाइबिलिटी डिक्रीज भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये तीसरा एसेट डिक्रीज भी हो रहा है, तो वो वाली वैलिड होगी या सिर्फ ऐसे लिखना होगा जिसमें दो एसेट्स इंक्रीज करें जो लाइबिलिटी? दो एसेट्स जिसमें इंक्रीज हो रहे होंगे और डिक्रीज का जहां लिखा होगा तो एसेट्स को लेके चलेंगे, ठीक है? और वो जरा सोच समझ के बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है? जो क्वेश्चन की उसने रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करते हुए ही हमने आगे उसको सॉल्व करना है। मतलब मैम, दूसरा अगर देखें मेरी स्टेटमेंट के अंदर दो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और उसके स्टेटमेंट के अंदर तीसरा एसेट भी है जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो वो उस सेंस लाइबिलिटी है। मैं आपको क्लास के बाद ना वो व्हाट्सएप पे पूछ लेता हूँ आपसे। मैं आपको अपनी स्टेटमेंट्स चलो दिखाऊंगा ना, आप बता दीजिएगा कि वैलिड है या नहीं। ठीक ठीक हो गया, सही हो गया। है, थैंक यू मैम। यू वेलकम। एक मिनट में आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करती हूँ, सर से पूछ लूँ वो किधर है। ठीक है, 5 मिनट्स आप लोग वेट कर लें। ओके मैम। जी आ रहे हैं सर 5-10 मिनट तक। और कोई क्वेश्चन जिससे पूछना हो तो बता दें। मैम ये असाइनमेंट रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये बता दें। जी पूछें। ओनर ऑफ बिजनेस हैज टेकन वन कंप्यूटर सिस्टम एट होम टू यूज इट फॉर बिजनेस पर्पसेस, ठीक इसका हो बता गया। दें मैम। बिजनेस पर्पस के लिए उसने कंप्यूटर यूज किया, तो आपका एक मेन हेड आएगा, कंप्यूटर आपके पास आएगा, जी ठीक है? जी और उसके बाद उसने परचेजेस किस में किए हैं, कैश में किए हैं ना, तो कैश आपका फिर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मैम, इधर उसने उसके पास बिजनेस में पहले ही कंप्यूटर था, उसने बिजनेस से निकाला है और घर जाके उसको इस्तेमाल किया बिजनेस पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो फिर आप इसको जो है वो ड्राइंग्स कंसिडर कर देंगे, ड्राइंग्स डेबिट और कंप्यूटर को जो है वो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है?
लेकिन उसको मैम आप उसने ऑफिस पर्सनल यूज के लिए तो नहीं यूज किया, ऑफिस यूज के लिए किया उसने, बिजनेस यूज के लिए। इसकी स्टेटमेंट आप मुझे शेयर करोगे? असाइनमेंट में कौन सा है ये? ये मैम ये जो कल टेस्ट आया था, थर्ड है मैम, उसमें थर्ड एंट्री है असाइनमेंट वाली। जो कल जी टेस्ट जी आया था उसमें ये क्वेश्चन जी अभी जी मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। ओके ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? हाँ जी कर दें कर दें। अच्छा ओके कर दिए मैम। जी भेजे आपने? जी भेज दिए। अच्छा एक मिनट में भी देख लूं। अच्छा ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसकी अभी कोई भी जो है ना वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि देखिए ओनर ऑफ द बिजनेस हैज टेकन वन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एट होम टू यूज इट फॉर द बिजनेस पर्पसेस, ठीक है? यानी कि उसने घर से निकाल के यानी कि घर में ले गया, तो इसकी कोई ट्रांजेक्शन पास नहीं होगी, ठीक है? इसमें कोई ठीक हर्ज वगैरह नहीं आएंगे। ठीक मैम, यही मैं ठीक कंफर्म है कर रहा था आपसे। ठीक हो गया। ठीक टेस्ट भी डिस्कस कर लें। तो आसान था मैम, बाकी सारा सिंपल था। यस मैम ओके पहला था आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? जस्ट मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ, आप लोग मुझे उसके आंसर्स बताते रहिएगा कि वो आप लोगों ने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, ठीक है? इफ ओनर विड्रॉज गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हाउसहोल्ड पर्पसेस इट इज टर्म्ड एज। जी ड्राइंग्स ड्राइंग्स, ठीक हो गया। नंबर टू, ड्राइंग्स होती क्या है ये भी बता दें साथ साथ। जी आलिया आप बताएं क्या होती हैं ड्राइंग्स? आलिया आप सुन सकती हैं मुझे? जी आलिया जी मारिया आप बता दें। मैम कोई भी चीज जो हम बिजनेस से निकालते हैं अपने पर्पस के लिए। ठीक हो गया थैंक यू। नंबर टू, इफ अ सप्लायर सोल्ड गुड्स टू अवर बिजनेस द कैश वुड बी, क्या होगी जी कैश क्या होगी हमारे पास अगर सोल्ड की है गुड्स? क्रेडिट होगी मैम। जी क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट को हम उसमें क्या कहते हैं जी, इंक्रीज या डिक्रीज? मैम डिक्रीज होगी ना, क्योंकि हम तो परचेज कर रहे हैं, सप्लायर हमें बेच रहा है। जी ठीक हो गया। नंबर थ्री, अ बैंक ओवरड्राफ्ट इज इंडिकेटेड बाय अ डैश बैलेंस। बैंक क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, बैलेंस। यस क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोगों को पता है ना क्या होता है, ठीक है? ये हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का जो है वो बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। नंबर फोर, बैलेंस ऑफ द रिसीवेबल अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स डैश। रिसीवेबल अकाउंट्स का बैलेंस कौन सा होता है जी? जी मोइस क्यानी
जी मोइज, जी मोइज सुन सकते हैं? ओके शाहजेब उमर आप बता। जी जी ये बैलेंस का क्या मतलब हुआ है तो बता दें। बैलेंस का मतलब होता है बच्चे जब हम बनाते हैं ना लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, आगे जाके आप इसको सीखोगे लेजर अकाउंट्स का। लेजर अकाउंट्स बनाने के बाद जो है ना एक साइड पे डेबिट होता है एक साइड पे क्रेडिट होता है, तो उसको जब बैलेंस करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर बचती है ना उसको हम कहते हैं बैलेंस, ठीक है। और बेसिकली ये बैलेंस आपके पास वो होता है जो इंडिकेट करते हैं कि इससे हमें नेचर पता चल जाती है एसेट की, ठीक है। यानी कि अगर ये रिसीवेबल है तो इसका डेबिट बैलेंस है और लाइबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस है। ये आगे फर्दर आप उसमें लेजर में जाके आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपने ये तो पढ़ा हुआ ना कि एसेट्स का बैलेंस हमारे पास क्या होता है, डेबिट होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे डेबिट होते हैं, तो आप उसको यहाँ पे एज अ डेबिट ट्रीट कर दो, ठीक है। अभी और जब पढ़ोगे तो आपको मजीद क्लियर होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 4, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस आर कॉल्ड इट्स डैश। नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा है आप लोगों ने, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। जी समीर, एसेट्स, गुड, ठीक हो गया। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द डैश कॉन्सेप्ट द बिजनेस इज रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम पर्सनल अफेयर्स ऑफ इट्स ओनर। जी कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? सेपरेट एंटिटी। यस, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये ट्रू फॉल्स, आई थिंक सो कि इजी थी, इसमें आपको कोई इशू नहीं आया होगा। एनीवन जिसको टू वाला बता दें। टू वाला, ओके। रनिंग फाइनेंस इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑल्दो इट मे नॉट बी पेड इन फुल फॉर मेनी इयर्स। जी क्या लिखा है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स जी, नो, ये गलत है, ट्रू नहीं होगा। और किसी का कोई इशू? ये वाले एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। सॉरी, ये वाले एक्सप्लेन कर दें। ओके जी सर, आप आएंगे अब? जी बताएं। आ जाएं सर अब आप। क्या कर क्या रहे हैं आप, वो टेस्ट? जैसे सर, टेस्ट का वो एक ट्रू फॉल्स है वो बता रही हूँ। रनिंग फाइनेंस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑल्दो इट मे नॉट बी पेड इन फुल फॉर मेनी इयर्स। जी ट्रू है। जी ट्रू है सर, बता दिया मैंने। अच्छा, रनिंग फाइनेंस में ना ये बेसिकली होता क्या है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनिंग फाइनेंस एंड लोन। रनिंग फाइनेंस इज द नेम ऑफ फैसिलिटी, ये एक फैसिलिटी का नाम है जो बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक फैसिलिटी है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है और उसमें एक लिमिट दिया जाता है। इट इज इन अ फॉर्म ऑफ लिमिट, जैसे 2 मिलियन रुपीस लिमिट आ गई। अच्छा, अब जिस वक्त भी उसने कोई भी चेक लिखता है, अपना बिजनेसमैन चेक लिखता है और बैंक में बैलेंस मौजूद नहीं होता, तो इस लिमिट को यूटिलाइज कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन है, आज की डेट में उसका बैलेंस जो है बैंक में वो 200,000 है, लेकिन वो एक चेक लिखता है, चेक पे करता है, वो 300,000 है। अब बैंक क्या करेगा कि 200,000 उसके बैलेंस से डिडक्ट करेगा और 100,000 जो है वो इस फैसिलिटी में से उसको पे कर देगा। अब जैसे ही अमाउंट उसने पे की, दिस इज नॉन एज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी।
इसी को हम बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये शॉर्ट टर्म क्यों है? इसके दो बेसिक रीजन है। एक तो ये है कि ये हर साल के बाद रिन्यू होता है, रिन्यूएबल, यानी ये एक साल के लिए होता है, एक साल खत्म होगा फिर अगले साल के लिए हमें दोबारा रिन्यूअल लेनी पड़ती है, ठीक है। इस वजह से इस स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था कि नॉर्मली ये कई साल तक चलता रहता है, फिर भी ये शॉर्ट टर्म क्यों होता है? इस वजह से कि रिन्यूएबल है, हर अगले साल ये नया आ जाता है, ठीक है। सेकंड इसकी रीजन ये होती है, इट कैन बी रिकॉल्ड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। और इसका जो शॉर्ट पीरियड है वो नॉर्मली 3 months होता है। तीन महीने के अंदर अगर रिकॉल कर सकते हैं, ये सारे पैसे आप हमें वापस करते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वापस ले सकते हैं, ठीक है। वो भी लेने की कोई रीजन होती है, वैसे नॉर्मली तो नहीं लेता, लेकिन ये है कि बैंक ले सकता है। जैसे आजकल पिछले दिनों बैंकिंग सिचुएशन खराब थी, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक रिकॉल कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आज और कोई टेस्ट डिस्कशन है अभी या आगे चलें? नहीं सर, हो गई हुई है, सारी कर ली हुई है, बाकी सब उन्होंने कर लिया है अटेम्प्ट। ठीक है, ले जी आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट में। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन हमने मुकम्मल की, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद आज हमारा नेक्स्ट स्टेप चलेगा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे, दैट इज जनरल। जनरल नेक्स्ट बुक आती है एंड दैट इज द फर्स्ट बुक जनरल जर्नल। इसको मोस्टली हम जर्नल ही कहते हैं, लेकिन पूरा नाम है जनरल जर्नल। अब इसमें हमारे पास एक फॉर्मेट क्या होता है जनरल जर्नल का, इसका पहला कॉलम होता है डेट, इसका सेकंड कॉलम होता है डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स, इस तरह लाइंस होती है सेंटर। थर्ड इसका होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। नेक्स्ट होता है डेबिट इन रुपीस, और लास्ट आता है क्रेडिट इन रुपीस, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या, यहां से आपका बेसिक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट हो रहा है। हम इसको कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग इक्वेशन एक सेपरेट चीज थी जो मैंने हमने दरमियान में डिस्कस की। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग साइकिल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक वे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या शामिल होता है, इसमें सबसे पहले ही आता है जर्नल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने लगे। जर्नल के बाद आते हैं लेजर्स, लेजर के बाद हम पढ़ते हैं पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स के बाद पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और मोस्ट एडजस्टेड ट्रायल के बाद फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो हमारी साल के एंड पे बनती हैं। मोस्टली साल के एंड पे हम बना रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, पोस्ट एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके साथ साथ दरमियान में समटाइम प्राइम बुक्स भी आती है,
अकाउंटिंग साइकिल में, उसमें भी सर्कल सिर्फ इस तरह होता है कि हम स्टार्ट करते हैं प्राइम बुक से, प्राइम बुक्स कन्वर्ट होती हैं लेजर में और आगे सीक्वेंस वही, आगे कोई फर्क नहीं। यानी उसमें जर्नल नहीं सिर्फ बनता, उसमें पूरी प्राइम बुक्स बनती है। वो कहाँ होगा वो बात की डिस्कशन है। इस वक्त हमने डिस्कस करना है व्हाट इज अ जर्नल, जनरल जर्नल, ठीक है। तो ये जेहन में रखिएगा, जनरल जर्नल इज अ प्राइम बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस business transactions are recorded. यानी जनरल जर्नल हमारी ऐसी प्राइम बुक है जिसके अंदर जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यानी ये वर्ड प्राइम ज़ेहन में रखें, प्राइम इब्तिदा को कहते हैं, यानी इसी जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उसको हम प्राइम बुक कहते हैं। इस बुक को मुख्तलिफ नाम देते हैं, इसको हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्यों कहा जाता है, व्हाई? इसलिए कि ये वाहिद बुक है जिसपे सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड दी जाती है। यानी इससे पीछे अगर मैं बात करूं जनरल से पीछे क्या होगा, हमारा ट्रांजेक्शन होंगे, ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसको कह रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड होंगी जनरल में और उसके बाद आगे सीक्वेंस बढ़ते हैं। इस बुक को हम क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है तरतीब को, यानी इसमें हम इसको सिंपल इसलिए कहते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल इन द ऑर्डर इन विच दे आर अकर्ड। यानी जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन हो रही है उसी ऑर्डर में हमें उसको रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आज फर्स्ट बिजनेस का, ठीक है, और आज मैंने एक सबसे पहले परचेज की 300 रुपीस की और मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं, स्वाइप कैपिटल वगैरह के जो होती है, ठीक है, 300 रुपीस की मैंने परचेज की और फिर मैंने इसको सेल किया 400 रुपीस। अब ये एक दिन की ट्रांजेक्शन है, दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर वन, दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर टू। अच्छा, अगर मैं आज सेल्स को पहले रिकॉर्ड कर लूं और परचेज को बाद में रिकॉर्ड कर लूं तो टोटल में तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन इट इज अगेंस्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ये कहते हैं कि द ट्रांजैक्शन व्हिच हैव अकर्ड फर्स्ट शुड बी रिकॉर्डेड फर्स्ट, ठीक है। इसके लिए हम अक्सर वर्ड इस तरह यूज करते हैं कि एवरी ट्रांजैक्शन या ईच ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड at the time of its occurrence ठीक है। जिस तरह भी ट्रांजेक्शन होगी आप उसको उसी तरीके से उसी तरतीब से आप उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है। सर बुक ऑफ प्राइम एंट्री बता दे दोबारा। जी मैं दोबारा बता दूँ, प्राइम का लफ्ज होता है इब्तिदा के लिए, ठीक है, इब्तिदा के लिए। यानी इसको प्राइम बुक हम इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है वो जहां रिकॉर्ड होती है जिस बुक में वो जनरल होता है सबसे पहले, ठीक है। यानी फर्स्ट आप कह लेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड होती है, इस वजह से हम इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। इवन दैट इसको हम एक और नाम भी देते हैं एंड दैट्स बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
और इसको बीसी सीक्वेंस में कहते हैं कि जब ओरिजिनली आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल भी फर्स्ट को कहते हैं यानी ये जो ओरिजिन में जा रहा है दैट इज जर्नल इसलिए हम इसको ओरिजिनल बुक भी कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो मुख्तलिफ नाम मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन ठीक है अदरवाइज इसकी कहीं हमें न्यूमेरिक में तो जरूरत नहीं पड़ रही हमें तो जो दी है ट्रांजेक्शन हमने उसको रिकॉर्ड करना है राइट अब इसके बाद सेकेंड आता है लेजर ये दोनों को हमने सर कॉम्बिनेशन में पढ़ना है लेकिन पहले जर्नल बनाना है फिर लेजर तो पहले थोड़ी सी ट्रांजेक्शन हल कर लें जर्नल की फिर हम लेजर की तरफ आते हैं अच्छा अब जर्नल में रिकॉर्ड कैसे करनी है ट्रांजेक्शन आपको याद होगा हमने चार स्टेप पढ़े थे फर्स्ट स्टेप क्या था आइडेंटिफाई अकाउंट हेड्स सेकेंड हमारा क्या था एलिमेंट ऑफ अकाउंट क्या है इनके थर्ड इनके मूवमेंट क्या है वेदर दीज आर इंक्रीज दीज हैव इंक्रीज और डिक्रीज मूवमेंट ऑफ अकाउंट एंड लास्ट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीजों को छोड़ना शुरू करेंगे लेकिन इसमें दो चीजें नहीं छोड़ी जा सकती और वो दो कौन सी आइडेंटिफाई अकाउंट हेड्स और डेबिट और क्रेडिट ये जो रूल लगाना है डेबिट और क्रेडिट वो इन दोनों पर बेस कर रहा होता है इन दोनों पर लेकिन अब ये दोनों चीजें हम लिखेंगे नहीं अब इसको वर्बली हम डिस्कस करेंगे अब इस ट्रांजेक्शन को कोई भी एक ट्रांजेक्शन लेते हैं फिर मैं नेक्स्ट पेज पे प्रॉपरली आता हूँ सिर्फ अभी समझाने के लिए अब सर मुझे ये बताइएगा कि कोई भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन लेते हैं उसको हम डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा ठीक है मैं कहता हूँ कि मिस्टर जमाल इन्वेस्टेड रुपीज 100,000 इन हिज बिजनेस To start cash to capital cash or capital ठीक है आपने बिल्कुल सही हेड बताया इसमें दो हेड आ रहे हैं एक कैश और एक कैपिटल अच्छा अब ये जो आपका सेकंड और थर्ड है इसकी मुझे जरूरत नहीं है अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि इनमें से डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है वो स्टूडेंट अभी स्लो है इसको समझने में कि डेबिट क्या है क्रेडिट वो इसको बिल्कुल फॉलो करे ठीक है लेकिन एक बड़ा सिंपल सिंपल प्रिंसिपल बताने लगा हूँ 90% ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं आपकी जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है अब आप सिर्फ कैश को देख लो कैपिटल खुद ही समझ में आ जाएगा मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कैश क्या बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज इफ इट कम्स इन वुड बी डेबिटेड इफ इट गोज आउट वुड बी क्रेडिटेड अब चूंकि ये बिजनेस में आ रहा है तो ये डेबिट होगा तो अगर ये डेबिट हो रहा है तो कैपिटल ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा ठीक है लेकिन अगर आप एलिमेंट्स के पॉइंट से देखें तो गलत नहीं है आप इसी को भी फॉलो करेंगे अब ये एलिमेंट के पॉइंट से देखें तो कैश एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज इन एसेट डेबिट अभी आप बेशक करें इसको फॉलो करें लेकिन थोड़ा सोच कर लिखना नहीं है लिखना सिर्फ यही है दो चीजें फर्स्ट एंड लास्ट अच्छा जैसे हमने ये लिख लिया अब इस एंट्री को लिखना कैसे होता है सबसे पहले डेट सपोज आज फर्स्ट जनवरी है सपोज मैं ये नहीं लगा रहा खुद ही फर्स्ट जनवरी डेट लगाएंगे अच्छा अब लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले डेबिट अकाउंट उठाना है डेबिट क्रेडिट नहीं सबसे पहले डेबिट और डेबिट में कैश इधर मैं लिखूंगा कि कैश ये डेबिट हो ठीक है उसके बाद क्रेडिट क्या कैपिटल जब क्रेडिट लिखना है ना तो उसका तरीका ये होता है कि हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं ये कैपिटल में कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट ठीक है ये खुद बहुत स्पेसिफाई कर रहा होता है कि इसमें डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है ऑलवेज रिमेंबर क्रेडिट हमेशा आप एक टैब के इक्विवेलेंट रखते हैं वो टैब यूज करते हैं ना आप टाइपिंग करते वक्त तो टैब दबाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस जो है वो आगे चला जाएगा एक टैब के इतने हम इसको क्रेडिट को लिखते हैं
ठीक है। अब इसके आगे अमाउंट है 100,000, 100,000 कैश बिजनेस में आया तो ये डेबिट कॉलम में लिखूंगा, डेबिट के सामने डेबिट कॉलम, और कैपिटल चूंकि क्रेडिट है तो कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर नरेशन हम लिखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन बता देते हैं, ये ट्रांजेक्शन है किस चीज की, हम बिल्कुल यानी आप कह ले ब्रीफली लिखना होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस, कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, या कैपिटल इंडक्टेड इनटू द बिजनेस, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। जैसे ये ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो आप इसको क्लोज कर। अच्छा, अब यहाँ कुछ चीजें बड़ी जरूरी हैं जो कि आपको एग्जाम में टाइम भी बचाएगी, और अगर कर भी दें तो उसके ना मार्क्स है ना कोई फायदा है। ये प्रोफेशनल स्टडीज में हम बहुत सी चीजों को इग्नोर करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपने देखा होगा मैंने कहीं अकाउंट का वर्ड यूज नहीं किया, इटसेल्फ ही अकाउंट्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई अकाउंट का वर्ड यूज नहीं करते। जैसे अक्सर बीकॉम वगैरह के बच्चे आईकॉम के करके आते हैं। दूसरा, इसके साथ टू का वर्ड लगाते हैं, That is not necessary. कोई जरूरत नहीं है टू का वर्ड लगाने की। इवन हमारे टीचर थे वो कहते थे कि टू और बाय इज अ टू काइंड बकवास, ये सब टाइम वेस्टेज है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई टू लगाने की जरूरत नहीं है। कैश डेबिट कैपिटल, जब ये ऑलरेडी आप एक गैप देते हो इंडिकेट कर रहा होता है कि ये हमारा जो कैपिटल आ रहा है ये क्रेडिट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर जिस वक्त आप ये चीज जो मैंने लिखी है ये इसको कहते हैं नरेशन, नरेटिव, ये शो कर रही होती है कि ये ट्रांजैक्शन जो हमने की है ये किसके बारे में। ये भी हम बहुत कम यूज करते हैं, बल्कि एग्जामिनेशन में आप देखोगे लिखा होगा नरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर उसने कहा है तो जरूरत ही नहीं है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, छोटी सी तो लिखनी होती है ब्रीफली, और ट्रांजेक्शन से लेना होता है कि ये